ब्राजील से पीएचडी कुनबा, हिसार को पशुपालन डेयरी सेक्टर में बदलने की कर रहा नजीर पेश। गोहाना, नमस्कार दोस्तों, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी को ही मानने वालों के लिए हिसार के बहन भाई एक ऐसी नजीर पेश कर रहे हैं जिससे हर कोई यह जरूर सीख सकता है कि जरा सी मेहनत करे और जज्बा हो तो उसे उद्योग सेक्टर में बदला जा सकता है। ब्राजील से एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में पीएचडी करने वाले सतीश कुमार ने हिसार आकर मुर्रा नस्ल प्रजनन केंद्र में आकर अपनी बहन सुमित्रा खासा के साथ डेयरी सेक्टर को अपना रोजगार बना लिया और इससे वे न केवल लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं बल्कि आगामी दिनों में इसे बिजनेस के तौर पर स्थापित करने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि सुमित्रा इस पूरे काम की खुद देखभाल करती है। साथ ही सुमित्रा के पति रणधीर खासा, जो हांसी में वीएस के पद कार्यरत है, जो समय समय पर सुमित्रा को डेयरी में भैंसों और गायों के बारे में उनसे संबंधित बीमारियों और टीकाकरण से लेकर उनके खानपान पर सलाह देते हैं। जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल ने उनकी डेयरी फार्म हरिता पर जाकर पूरे परिवार से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि कैसे डेयरी फार्मिंग जनहित में ऐसे युवाओं के लिए बेहतर साबित हो सकती है जो आज सरकारी नौकरियों के भरोसे इधर उधर भटकते फिरते हैं और निराश हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। पिछले एक महीने से 5 राज्यों के चुनाव को लेकर तमाम पार्टी के लोगों से मैंने बातचीत की। कल चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजे कैसे भी आए, उन सब चीज़ों को छोड़कर आज मैं थोड़ा सा फनी मूड में राजनीतिक चर्चा को छोड़ के, राजनीतिक रैलियों को छोड़कर स्पेशल हिसार आई। और हिसार जो आने का मकसद था, मैं थोड़ा सा ज़्यादातर राजनीति का क्षेत्र पे रहती हूँ मैं, उन पे चर्चा रहती है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आम नागरिक से जुड़ी हुई हैं। आज हम मतलब मैं फील्ड में देखती हूँ जो युवा पीढ़ी है, पढ़ाई करने के बाद तुरंत रोजगार की सोचती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को रोज़गार मिले। स्वरोजगार एक ऐसी चीज़ है जो एक स्वाभिमान से थोड़े बजट में भी काम शुरू कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण है खासा मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र हिसार में। ये हिसार से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद गांव कौन सा सुमित्रा जी? हरिता गांव है, क्योंकि मैं रास्ते में पूछ रही थी, मुझे गांव अभी नाम याद नहीं हो पाए। ये जो प्रजनन केंद्र बनाया है, इसकी देखभाल और इसके जो संयोजक लगा लो MD सुमित्रा जी हैं। इतने बड़े फार्म हाउस को सुमित्रा जी कैसे देखते हैं, इनकी मदद इनके भाई करते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ब्राज़ील से PhD करके आए हैं सतीश कुमार, मैं इनसे भी बात करूँगी। और ये मतलब आज के जो युवा हैं जो काम नहीं करते या रोज़गार के चक्कर में वेट करते रहते हैं कि भी रोज़गार मिले तभी मुझे कुछ काम करूँ, उनके लिए एक ये नसीब है। और मैं आज सारी चीज़ें इनसे सीखूं भी और देखूंगी। सुमित्रा जी, सबसे पहले तो मैं हिसार में आई हूँ, मेरे चैनल पे आप आए, स्वागत। और सतीश जी आपका भी स्वागत। धन्यवाद जी, सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जी। जी सतीश जी, ये शुरुआत जो की सुमित्रा जी आपने भी, जैसे ये आपके तो हस्बैंड वैसे तो इसी डिपार्टमेंट में है बैठक में, तो ये जो सेटअप आपने जमा है इससे क्या लगता है, ये डेयरी का जो काम है, पशुपालन का जो काम है, उसको औद्योगिक सेक्टर की तरफ ले जाने का मूड था, ये कहीं से आपने चीज़ें सीखी? चारा बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल। तो उसके लिए खेत से ही, तो हमने लीज पे ये जगह ली और लीज पे जगह लेने का मेन पर्पज़ फोकस यही था कि यहाँ हरा चारा मिले और प्लस में पास में ये सिंचाई के लिए और नहर भी थी और पानी भी था, पशुओं के लिए भी ताज़ा पानी जी, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ शुरुआत करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं अगर सुमित्रा जी के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और हिसार में भी एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली की ये बहू हैं और जो इनके पिता हैं वो आर्मी में ऑफिसर हैं। इन सब के बावजूद भी अगर इन्होंने डेयरी सेक्टर को अपनाया है तो ये एक नज़ीर है। हम सब मतलब जो भी ग्रामीण महिलाएँ हैं आज, अक्सर वो मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर जो टाइम पास है, मेरी बात का कोई मेरे दर्शक बुरा ना माने, टाइम खाली होते वो सीरियल देखते हैं, लेकिन मैंने आज सुमित्रा के पास आके देखा तो ये टाइम फ्री होते ही सबसे पहले अपने फार्म हाउस पर आकर बैठती हैं। हाँ जी। अच्छा मैडम, थोड़ा सा और बताओ, जिससे पशुओं में बीमारी का भी एक अंदेशा बना रहता है। हाँ जी। तो उसके लिए आपने किसी डॉक्टर को हायर कर रखा है, घर में ही काम चल जाता है? नहीं, घर में ही काम चल जाता है अभी तक। सुमित्रा जी के पति देवन वेटरनरी डॉक्टर हैं, बतौर SDO उनका एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा अनुभव है, मैं उनसे भी बात करूंगी कि किस तरह की बीमारियों से। अब मैं सतीश जी से जानना चाह रही हूँ, सतीश जी मुझे थोड़ा सा मुझे पता चला कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो सॉरी, जिसको ETT बोलते हैं, और ब्राजील में आपने
वहाँ से PhD, ब्राज़ील से आए और फार्म हाउस पे काम शुरू कर दिया। ये बड़ी एक हैरानी वाली बात है, तो मुझे थोड़ा सा समझाएं। शुरू से जैसे हमने फार्म शुरू किया तभी से था भाई, हमने जो ब्रीड है जी उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा, तो एक तो जैसे इम्प्रूवमेंट अपन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, जो AI बोलते हैं जी जी, वो तो अपने यहाँ बहुत कॉमन है, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है ये तकनीक अपने इंडिया में अभी है नहीं। अच्छा, इसलिए तो इसका लाभ सिर्फ आप अपने फार्म हाउस को, तो आपकी सेवाएं हैं जरूर, आप सुमित्रा जी के ब्रदर हैं, तो बाकी भी किसी और क्षेत्र में और किसी जिले में आपने अपना विस्तार किया कि आपकी सेवाओं को सामान्य से आदमी को भी लाभ मिले? हाँ, अभी कोशिश है, अभी आगे और अपन डेवलप करना चाह रहे हैं लैब। हाँ जी, लैब डेवलप करके और फिर जैसे फार्मर तक भी ये तकनीक पहुँचे। तो अभी लैब नहीं है अपनी? नहीं, लैब है लेकिन अभी छोटी है। छोटी है तो लैब को अपन थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं कि ताकि अपन कॉमर्शियल भी कर सके, ताकि जो फार्मर हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो ये इस तरह का सेक्टर, मतलब एक लाभ का सेक्टर है, एक लाभ मिले लोगों को ज्यादा से ज्यादा? अभी शुरुआत में थोड़ा सा हिचकते हैं लोग, क्योंकि नई तकनीक है ये, आने वाले समय में लाभ भी होगा इससे, फायदे का वो भी काम है। जी जी, तो इसको मतलब आपकी सोच सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है। मैं रास्ते में सुमित्रा जी से भी बात कर रही थी कि सिर्फ दूध निकाल रहे हैं DI एक बिजनेस के तौर पर, आपसे भी मैं और डॉक्टर साहब थोड़े से गुआंडी भी हैं इसलिए मेरा डॉक्टर साहब से अभी कुछ टाइम पहले मेरा मिलना हुआ, तो डॉक्टर साहब ने ये बताया मुझे, मैं स्पेशल आज इशारा एक डॉक्टर साहब, मैडम तो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा ये काम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको संभाल रही, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि सर्दी आ गई, लू आ गई, गर्मी आ गई, मौसम चेंज होते हैं, तो पशुओं में बीमारियों का भी एक आशंका बनी रहती है किसी तरह की बीमारी ना आए, तो उसके बचाव के लिए आपकी जो क्या गाइडलाइन है सबसे पहले? मैडम जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। उसके लिए जो मेरा उद्देश्य यही रहता है, मैं जैसे ही गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, वैक्सीनेशन है, उसमें HS एंड FMD है, डोल वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो वो यहाँ इनको मेरे ख्याल से दूर कम ही पड़ती है, तो हॉस्पिटल से जिस एरिया में ये है तो वो अपने आप लगा जाते हैं, अदरवाइज़ मैं भी इनकी मदद करता हूँ टाइम होता। तो एक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, टाइम पर लग जाए, तो उसमें आप ये समझो कि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया, फिर तो खतरा जो बीमारी का है वो दूर हट जाए। दूसरा फिर एक मेन चीज़ जो बफलम होती है, मैस्टाइटिस की आई इल्डर में प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए जो इनको मैं सलाह ये देता हूँ कि आपने इनका जो शेड है उसको, जो वेडिंग जो मटेरियल है उसको साफ सुथरा रखें, क्षणों को अच्छी तरह धोएं, उसके ऊपर मतलब साफ, जो है बच्चे का हाथ जैसे दूध से निकाला, निकालने के बाद बच्चे को हटा के उसको धो के सिपिट वगैरह उसका जो भी है वो लगाएं। जी जी, ये है। दूसरा फिर इनका मैनेजमेंट का है, गर्मी है तो उसके हिसाब से पानी का स्पेशल ध्यान किया जाए, रखते हैं, और उसमें फिर शावरिंग जैसे पानी की स्प्रिंकलिंग वाटर जो है सारा वो करके छिड़काव वगैरह करके। रही बात सर्दी की, सर्दी में फिर ये बफलो में हालांकि इतना वो नहीं है, काफ़ी रेजिस्टेंस है बफलो, फिर भी उसके ऊपर सेड वगैरह है, टाइम पे जैसे शाम को इनको टाइम से सेड के अंदर कर दें जी, और टाइमली सुबह बाहर निकालें। डॉक्टर साहब ये तो देखो आप मैडम की मदद कर रहे हैं इनकी पति होने के नाते, लेकिन आपका एक एरिया भी फिक्स होता है 20 गांव आपके अंडर में आ जाए, तो ये जो आपकी जानकारी है, जो सरकार की स्कीम्स हैं, जो आपके पशुओं के हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते, तो पब्लिक में भी ये चीज़ें आपकी लगातार आपके फील्ड में रहती है? बिल्कुल रहती है मैडम, मैं तो बल्कि इनको इसी तरह ट्रीट करता हूँ जैसे ये मेरे फार्मर हैं, जैसे और मेरे फार्मर हैं लाइक दैट, ये भी मेरे फार्मर हैं, ये मेरे से सलाह लेते हैं तो मैं जरूर देता हूँ, जरूर देते, और कई बार ये भूल भी जाते हैं तो मैं इनको भी याद दिलाता हूँ, जैसे मेरे आम फार्मर को दिलाता हूँ, मेरी तो मैं खुद पशु प्रेमी हूँ, बींग ए वेटनेरियन, पूरा किसी का भी वो है, मतलब सोचता हूँ मेरे से जिसका भी जितना भला हो उसके, मेरी यही सोच है। तो इसमें डॉक्टर साहब अगर कोई करियर बनाना चाहे तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है मैडम, इसमें कोई करियर बनाना चाहे तो पहले, सबसे पहले मेरा ये है कि इस गोबर में से उसको खुशबू आनी चाहिए, अगर उसमें बदबू आ रही है तो वो ना जाए इसकी तरफ, क्योंकि वो सोचेगा मेरा ये तो देखो चोली दामन का साथ है, आप इस काम को करोगे तो ये सारा कीचड़ वीचड़ में कीचड़ वो सब लगेगा, एनिमल है इसको तो पता ही नहीं कब पूछ मार दे, कब चीटा लगे, तो उसको अगर दूर रख के कोई बंदा मेहनत करे, उसमें बढ़िया क्वालिटी का एनिमल हो, हाई इल्डर हो, और उसी के ढंग से AI करवा के, अच्छे हाई इल्डर से AI करवाए, तो ब्रीड जैसे मान लिया माँ अगर 5 लाख की है तो बच्चा भी 5 लाख का ही आएगा।